मेरे सेयन वॉरियर्स, डेली लाइफ के सबसे सिंपलेस्ट टास्क जैसे कि शर्ट को आयन करना, अपने वॉलेट को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना या फिर चिन और नोज के ब्लैक और व्हाइट हेड्स को पेरियोडिकली हटाना, ये सब स्टाइल एंड ग्रूमिंग की स्किल्स ज्यादातर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। बट ट्रस्ट में, यही छोटी छोटी चीजें आपको कहीं ज्यादा शार्प और क्लासी बनाती हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी स्टाइल स्किल्स को मास्टर करेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड की दो बोनस टिप्स में आप घर पे ही परफेक्टली बियर्ड कैसे शेप कर सकते हैं उसकी ट्रिक, प्लस सेलिब्रिटीज अपने फेस को फ्रेश कैसे रखते हैं पूरे दिन उसका हैक भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देखना। पॉइंट फर्स्ट, परफेक्ट शर्ट आयनिंग ट्रिक। आपने भले ही कितनी महंगी शर्ट पहनी हो, किसी भी ओकेजन पे आप जा रहे हो, शर्ट अगर अच्छे से प्रेस्ड नहीं होगी तो आप बेकार ही दिखोगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शर्ट आयनिंग ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में शर्ट को आयन करने से पहले उस पे हल्का सा पानी छिड़के, जिससे कि शर्ट से रिंकल हटाना हमारे लिए इजी हो जाए। अब सेकंड स्टेप में हम आयनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम शर्ट प्लेकेट या फिर बटन पट्टी को सबसे पहले आयन करना स्टार्ट करते हैं। इसे फ्रंट से अच्छे से प्रेस करने के बाद शर्ट को उल्टा करके इसको बैक साइड से भी अच्छे से प्रेस करना। ये होने के बाद थर्ड स्टेप पे हम कॉलर प्रेस करेंगे आगे और पीछे से, इसको भी बिल्कुल सफाई से करने के बाद। फोर्थ स्टेप में हम शर्ट की पूरी बैक साइड को प्रेस करेंगे, बिल्कुल कामली बैक साइड के सेंटर साइड सारे पोर्शन को कवर करना। फिर ये करने के बाद फिफ्थ स्टेप में हम शर्ट की स्लीव्स को आप प्रेस करेंगे। शर्ट की स्लीव्स प्रेस करते समय आप इसके क्रीसेस का जरूर ध्यान रखना, क्रीसेस सही अलाइनमेंट में होनी चाहिए। यही सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे दूसरी स्लीव्स को प्रेस करने में। अब सिक्स्थ स्टेप में हम शर्ट को बटन अप कर देंगे और पूरी टेबल पे ऐसे फैलाते हुए पूरा शोल्डर पार्ट और फ्रंट पार्ट को प्रेस कर देंगे। फ्रंट होने के बाद शर्ट को उल्टा करके एक बार बैक की साइड में भी हाथ मार लेना और आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्टली प्रेस्ड हो जाएगी। नंबर सेकंड, शूज क्लीनिंग हैक। जो भी शूज हम डेली बेसिस पे पहनते हैं उनको गंदा होने से तो कोई नहीं रोक सकता, बट हम बहुत ही इजी ट्रिक्स का यूज करके उन शूज को क्लीन भी कर सकते हैं। तो इजीली शूज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप उनकी लेसेस निकाल दें। अगर आपको शूज का सिर्फ सोल पार्ट क्लीन करना है तो लेसेस निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक पुराना टूथब्रश लेना है, जिसके ऊपर आप बिना कोई कलर वाला व्हाइट कोलगेट लगाना और इसको अपने शूज पे लगाना स्टार्ट कर देना। आप एक छोटी कटोरी में वाटर भी ले सकते हैं इस सॉल्यूशन को स्प्रेड करने के लिए अपने शूज पे। दोनों शूज के हर एक एरिया में इसको अच्छे से स्प्रेड करते ही आप क्लियरली देखोगे कि आपके शूज बिल्कुल साफ नए जैसे हो गए हैं। पॉइंट थर्ड, परफेक्ट वॉलेट फॉर यू। जहाँ तक हम वॉलेट की बात करते हैं, तो आप वो मोटे भद्दे से वॉलेट्स कैरी करना बंद करें। कई लोग जेब के अंदर ऐसे मुड़े तुड़े नोट रखते हैं, ये हैबिट भी काफी ज्यादा शैबी लगती है। तो इसलिए आप मोटे वॉलेट को रिप्लेस करते हुए एक बिल्कुल स्लिम कार्ड होल्डर अपने साथ कैरी करने लग जाओ। प्लस वॉलेट को किसी भी हालत में पीछे वाली पॉकेट में बिल्कुल कैरी मत करना, इससे आपकी बैक का पूरा अलाइनमेंट बिगड़ सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको बैक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए वॉलेट को बैक वाली पॉकेट में रखने की जगह फ्रंट वाली पॉकेट में रखना। इसके अलावा वॉलेट में आपको क्या क्या कैरी करना है उसकी बात करें, तो वॉलेट में आप कोई भी एक आईडी प्रूफ, विजिटिंग कार्ड्स अगर आप रखते हो तो, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी कैश। इसके अलावा सब फालतू की चीजें निकाल के फेंक दो उसमें से। पॉइंट फोर्थ, अ परफेक्ट पॉकेट स्क्वायर फोल्ड। जब भी हम ब्लेजर्स या फिर सूट्स पहनते हैं तो उसकी प्रेस्टीज को दो लेवल अप एक पॉकेट स्क्वायर ही ले जाता है। बट पॉकेट स्क्वायर को भी एक परफेक्ट शेप में क्लासी तरीके से फोल्ड करना भी एक आर्ट है। बट आप चिंता मत करो, मैं आपको दो कूल फोल्ड्स बताता हूँ। फर्स्ट है द फॉर्मल प्रेसिडेंशियल फोल्ड। इसके लिए आपको पॉकेट स्क्वायर को टेबल पे ऐसे बिछा के उसे हाफ फोल्ड करना है, फिर ऐसे ही क्लीनली दो या तीन बार और फोल्ड करना, जिससे कि लास्ट में वो एक स्क्वायर बन जाए और वो बिग इनफ साइज का हो जिससे कि वो आपकी पॉकेट में फिट आ जाए। आप पॉकेट स्क्वायर और पॉकेट को डबल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हैं ताकि पॉकेट स्क्वायर अपनी प्लेस पे ही रहे। सेकंड ट्रिक है द 2-पॉइंट फोल्ड। इसके लिए आपको अपने पॉकेट स्क्वायर को टेबल पे रख के एक बार फोल्ड करना है और फिर अगेन सेकंड टाइम फोल्ड करने के बाद उसे टेबल पे एडजस्ट करके ऐसे डायमंड की तरह अलाइन करते हुए नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट में थोड़ा सा टिल्ट करके फोल्ड करना। अब इसी पॉकेट स्क्वायर के दोनों नीचे वाले साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना ताकि ये पॉकेट स्क्वायर पॉकेट के अंदर फिट आ जाए। लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। पॉइंट फिफ्थ, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैक। नाक पे और चिन के ऊपर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होना बहुत कॉमन है। ब्लैक हेड्स होने के बाद इतने प्रोमिनेंटली दिखते हैं हमारे फेस पे, जिससे कि हमारा फेस बिल्कुल अगली लगता है और हमारे फेस की पूरी बरा बजा देता है। बट इसके लिए मैं आपको तीन सॉल्यूशंस बताता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप एक टूथब्रश लेना पुराना, उसके ऊपर आपके घर पे पड़ा हुआ कोई भी फेस स्क्रब या एक्सफोलिएटर लगा के उसे आपके जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स हैं उधर लगाना। सेकंड मेथड के लिए आपको कॉफी पाउडर में कर्ड मिक्स करके
इसे आप अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड को हफ्ते में 2 बार यूज करना करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और थर्ड मेथड है नोज स्ट्रिप मेथड। ये नोज स्ट्रिप बाजार में आपको मिल जाएंगी इजीली। इन्हें भी आप अपने नाक पे लगा के ब्लैक हेड्स हटा सकते हैं। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की बियर्ड ट्रिमिंग मेथड के लिए, सबसे पहले तो आप बियर्ड ट्रिमिंग करने के लिए जब भी अपने ट्रिमर को होल्ड करें तो उसे कुछ ऐसे तरीके से होल्ड करके अपनी बियर्ड पे यूज करना, ना कि ऐसे पकड़ के यूज करते हुए, जो कि एक बिल्कुल गलत मेथड है। जहां तक हम अपने चीक्स पे बियर्ड को सही शेप देने की बात करें तो आप एक स्केल का यूज कर सकते हैं दोनों गालों पे। स्केल को कुछ ऐसे रख के उसके ऊपर के सारे एक्सेस बाल हटा देना। इससे दोनों गालों में आपकी बियर्ड बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। थर्डली अपने नेक के बियर्ड के बाल हटाना मत भूलना, ये आपको बहुत शैबी बनाते हैं। सेकंड बोनस टिप के हिसाब से, अगर आपको अपने फेस से एक्सेस स्वेटिंग या फिर अपनी स्किन को इवन करना है तो इसका बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप रोज बिल्कुल आइस वाले वाटर में अपने फेस को ऐसे डिप करना, या फिर आप आइस की क्यूब को ऐसे रुमाल में बांध के भी यूज कर सकते हैं। ये आइस वाला मेथड आप रोज सुबह 1 या 2 मिनट के लिए यूज करोगे तो आपको अपनी स्किन क्वालिटी में काफी फर्क दिखने लग जाएगा। अगर आपको मेरी अल्टीमेट बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना, और मेरी फैशन एंड ग्रूमिंग की असेंशियल्स की प्लेलिस्ट देखने के लिए राइट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं।